तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई लोग इस बीच यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, और साथ ही क्योंकि काफ़ी साधारण व्यक्तित्व के पूनम चंद यादव हैं और रहे हैं हमेशा से ही, 100 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था और उज्जैन में ही उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली है। जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस बात की जानकारी मिली, भोपाल से वो रवाना हुए उज्जैन के लिए, और आज 11:30 बजे के करीब उनकी जो अंतिम यात्रा है वो निकाली गई थी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। कई नेता यहाँ पर पहुंचे, जिनमें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, जिन्होंने शोक व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब मुखाग्नि का वक्त क्योंकि यहाँ पर हो गया है, उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। हालांकि कई ऐसे भी क्षण आए जब मुख्यमंत्री को भावुक देखा गया, काफ़ी लगाव था उनका अपने पिता के साथ में और काफ़ी कुछ उन्होंने अपने पिता से सीखा, हमेशा से वो ये कहते आए हैं। इतना ही नहीं, उनके संघर्षों से, खासतौर पर पिता के संघर्ष से उन्होंने जीवन जीने का जो तरीका है उसे सीखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता का शिप्रा तट पर अंतिम संस्कार हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया समेत कई मंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उज्जैन पहुंचे। 1924 को जन्मे पूनम चंद यादव, और निधन बीती रात हुआ उनका। 3 भाई मुख्यमंत्री के साथ साथ, नारायण यादव, मोहन यादव और नंदू यादव, 2 बेटियां कलावती यादव और शांति देवी। बात करें अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता की, तो काफ़ी साधारण व्यक्तित्व के थे और हमेशा ही लोगों के बीच में हर किसी से घुल मिल कर बातचीत करने वाले व्यक्तित्व। मुख्यमंत्री बेटा होने के बाद भी वो हमेशा से ही जमीनी स्तर पर रहकर लोगों की बात सुना करते थे। हालांकि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कमलनाथ हो या फिर राज्यपाल, सबकी तरफ से दुख जाहिर किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ उज्जैन में नजर आए। मिथिलेश संवाददाता साथ हो गए हैं। मिथिलेश, मुखाग्नि दी जा चुकी है? जी बिल्कुल, मुखाग्नि दी जा चुकी है। जो इनके बड़े बेटे हैं नंदू यादव जी, उन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हम मौजूद हैं, और उनके जो बड़े भाई हैं नारायण यादव जी, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। 3 भाई हैं, सबसे छोटे सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव, और 2 बड़े भाई हैं, बड़े भाई ने मुखाग्नि दी है। और इस वक्त अंतिम संस्कार जो है वो चल रहा है, पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो रहा है। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो दिल्ली से सीधा उज्जैन पहुंचे और यहाँ पर अंतिम जो सफर है, जो अंतिम यात्रा है, उसमें शामिल हुए, अंतिम दर्शन उन्होंने किए। उन्होंने कहा कि आज का जो दिन है वो मुख्यमंत्री जी के लिए पहले बड़ा कष्टदायक है, क्योंकि एक पिता का दिल से हाथ उड़ जाना, वो कष्ट जिनके पिता नहीं है उस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन इन 100 सालों की जो लंबी आयु रही, इसमें उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा, जिनके जो संस्कार है आज वो उनमें नजर आते हैं। और देखिए, लोगों के प्रति जो समर्पण की भावना है, वो समर्पण की भावना मुख्यमंत्री जी ने उनके पिता से, उन्होंने कहा कि देखिए ये पूरा जो जीवन है उनका, वो राजनीति में कभी नहीं सक्रिय रहे, लेकिन लोगों के लिए उनकी जन भावना रही, लोगों के लिए वो हमेशा खड़े रहे और लोगों के साथ उनका एक अपनत्व का भाव रहा है। तो उन्होंने कहा कि भौतिक रूप से भले वो आज नहीं है, लेकिन उनकी आशीर्वाद की जो छाया है वो सदैव मुख्यमंत्री जी के साथ रहेगी, इस प्रदेश में उनका आशीर्वाद रहेगा। और देखिए ये सिर्फ यही उनका जो नेचर रहा, उनका जो भाव रहा समर्पण का, कि सिर्फ उज्जैन ही नहीं, आसपास रतलाम के आसपास के जो तमाम बड़े गांव हैं, उज्जैन से जुड़े हुए जो गांव, वहां से बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। लगभग 20,000 लोग अंतिम यात्रा में, जो अंतिम सफर की यात्रा रही, उसमें शामिल हुए हैं। और फिलहाल इस वक्त हम भी यहाँ मौजूद हैं, और ये जो स्थान है ये भूखी माता मंदिर के ठीक पास में शिप्रा तट पर है, और शिप्रा तट पर जो है मुखाग्नि दी गई है, और पंच जो पार्थिव शरीर है पंचतत्व में विलीन हो रही है।
देखिए मुख्यमंत्री जी ने भी आज अपने पिता को की कुछ बातें याद करते हुए भावुक हुए। जब हम लोग उनके घर पे मौजूद थे तो उस वक्त वो मीडिया के सामने भी उन्होंने ने जब बातें कही तो उन्होंने ये कहा कि पिता को आज याद करता हूं, तो सिर्फ ये याद आता है कि जब भी पिता से बात हुई उन्होंने ये कहा कि अगर राजनीति में आए हो तो राजनीति का पहला उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना, जनता का सेवा करना। इन जनता ने इसलिए ही चुना है कि हमेशा उनके भले के बारे में सोचो। और बोले अक्सर जब भी मैं उनके पास आता था तो वो मुझसे यही बात कहते थे कि जनता किससे जुड़े मुद्दों पर हमेशा ध्यान रखना और जनता का चाहता से ज्यादा भला हो, उनकी ऐसी ऐसी योजना हो कि हर गरीब से गरीब वर्ग को उसका बेनिफिट मिल सके, उसका फायदा मिल सके। बोले कि कुछ बातें कुछ सौभाग्य की बात भी है मिथिलेश की, एक पिता होने के नाते अपने बेटे को प्रदेश का मुखिया देखने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली है, ये सौभाग्य है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कि 100 साल उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है अपने पिता से, क्योंकि कहते हैं कि सबसे बड़ा गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में उनके संघर्ष की गाथा भी जो आसपास के लोग हैं वो गाते हैं। पूनम चंद यादव ने जितना संघर्ष किया, लोगों का कहना है कि बहुत कुछ सीखा है उनके बच्चों ने उनसे, और खुद मुख्यमंत्री भी इस चीज का जिक्र करते हैं, चाहे वो हीरा मिल में नौकरी करनी हो या मालीपुरा में भजिया और फ्रीगंज में दाल बाफले की दुकान लगाना हो, कभी भी इन कामों को छोटा नहीं समझा गया, बस यही कि जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा ही है। जी, और देखिए इसी बात को उन्होंने आज कहा भी कि जब वो मिल में नौकरी करते थे तो वो उस वक्त अपने बच्चों की शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देते थे। उन्होंने सभी भाइयों की बहनों को एक अच्छा शिक्षा दिया। और देखिए परिवार में जो मुख्यमंत्री हैं वो राजनीति में हैं और उनकी जो एक बहन है कलावती देवी जी वो राजनीति में है, यानी उनके परिवार के 2 सदस्य राजनीति से जुड़े हुए, बाकी सभी लोग जो है वो खेती किसानी और व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। लेकिन देखिए वो कहते थे कि जब मैं प्रभारी मंत्री बना तो मैंने प्रभारी मंत्री बनते साथ ही अपने पिताजी को फोन लगाया था। उस वक्त वो खेत में थे और उन्होंने कहा कि सोयाबीन की बुआई चल रही है और मैं इस वक्त खेत में काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं प्रभारी मंत्री बन गया, तो उन्होंने कहा ठीक है जब मैं खेत से आऊंगा तो उसके बाद मुलाकात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरे खेत का कब मैं अपनी फसल का ध्यान रखना है। और वो फोन रखते रखते उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री जो बने हो ठीक है, लेकिन ये जनता के लिए मंत्री कभी नहीं बनना। उन्होंने कहा कि वो अक्सर कहते थे कि मुख्यमंत्री या मंत्री कभी भी किसी जनता के लिए ये नाम नहीं होना चाहिए, जनता के लिए हमेशा आप हमेशा सामने रहे, जनता आसानी से आपसे मिल सके, अपने दुखों की बात कर सके और मध्य प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा कल्याण कैसे हो सके, अपने शहर का कल्याण कैसे हो सके, इस चीज का उन्होंने कहा कि हमेशा पिता कहते देखो। कई बार उन्होंने कुछ चीजें उन्होंने कहा कि अगर वो कोई चीज अखबारों में देखते थे या टीवी में कोई चीज देख लेते थे तो उस चीज के लिए नाराज भी होते थे कई बार उन्होंने। बिल्कुल मिथिलेश, और यही वो किस्से हैं जो कि प्रेरणा देते हैं। और